आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर। देखिए, कल की क्लास में हमने मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा था। एक ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे कम एक्सरेज हो रहे हो, जहाँ पर जो एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, वहां पर हम मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग को काम में ले सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही बिजी डिपार्टमेंट होता है, वहां पर हमें ऑटोमेटिक फिल्म जो प्रोसेसर उनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिजी डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एक्सरेज बढ़ जाते हैं और वो इतने एक्सरेज की संख्या हम इनको अगर हम प्रोसेस करेंगे तो मैनुअल जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उनसे किया जाना पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा और भी बहुत से फायदे हैं ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर के, जिसको मैं एक डिफरेंस के रूप में, एक टेबल के रूप में आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी तो मैं आपको इतने बताना चाहता हूँ इसमें कि ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर एक बिजी डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। और इसके अलावा ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर इससे इमेज होती है जो कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म क्वालिटी की इमेज प्राप्त होती है। देखो, आपने बेसिक पढ़ा होगा, इसके लिए इसमें रिप्लेसमेंट सिस्टम होता है जो क्या करता है, जितना भी डेवलपर और फिक्सर होता है जो एग्जॉस्ट होता रहता है उसको ये रिप्लेस करता रहता है। उसको इसको जो एग्जिस्टेड जो डेवलपर फिक्सर होता है, जो काम में आया हुआ होता है उसको बाहर निकालता रहता है, उसमें फ्रेश डेवलपर और फिल्टर जो फिक्सर होता है उसमें ऐड करता रहता है। तो इससे इमेज क्वालिटी क्या होती है, आप कंसिस्टेंट इमेज क्वालिटी मिलती है और यूनिफॉर्म इमेज क्वालिटी मिलती है। उसमें क्या होती है, यूनिफॉर्म इमेज क्वालिटी मिलती है। इसके अलावा ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसीजर से क्या होता है, आपका जो डेवलपमेंट या जो फिल्म प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। जो नॉर्मली 90 सेकंड का जो फिल्म प्रोसेसिंग साइकिल इसके अंदर होता है, जिसमें हम इमेज को फिल्टर में फीड करते हैं और ड्रायर से इमेज जो ड्राई होकर बाहर निकलती है। तो ऑटोमेटिक फिल्म सॉल्यूशन और जो ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर इमेज को हम फीड ट्रे में डालते हैं तो डेवलपर टैंक, फिक्सर टैंक, वॉशिंग टैंक और ड्रायर में एक क्रमागत रूप से सिक्वेंशियली इसके अंदर से होकर निकलती है और फिल्म ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती जाती है। देखो, ऑटोमेटिक जो फिल्म प्रोसेसर होता है इसके कई इसमें क्या होता है, कई सेपरेट इंटर रिलेटेड सेपरेट मतलब अनसेपरेट और इंटर रिलेटेड पार्ट होते हैं। जैसे ये मान लो डेवलपर टैंक, ये क्या है, मैं इधर बना देता हूँ, ये डेवलपर टैंक है, इसको डी से लिख दिया, ये फिक्सर टैंक है और ये वॉशिंग टैंक है और इसके अलावा ये ड्रायर टैंक है। ये क्या है, ड्रायर टैंक है जो ड्राई इमेज को करता है। तो ये अलग अलग सेगमेंट है, मैं इनको इनको शॉर्ट में लिख दिया, डेवलपर, फिक्सर, वॉशिंग के लिए से। तो ये अलग 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 सेपरेट सेगमेंट होते हैं लेकिन फिर भी इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड कैसे, जो हमने फीड ट्रे से जो इमेज हमने इसके अंदर डाली है, डेवलपर टैंक की इमेज डाली है, वो फिल्म रोलर और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसकी सहायता से क्या होती है, वो डेवलपर जाती है, डेवलपर से फिक्सर में, फिक्सर से वॉशर वॉशिंग के लिए और फिर ड्राइंग के लिए वो ये बाहर निकल जाती है, इसका आउटलेट होता है। तो इसमें क्या होता है, इनमें ये सारे सेगमेंट अलग अलग है लेकिन फिर भी ये इंटर रिलेटेड है। ये क्या है, इंटर रिलेटेड सेगमेंट होते हैं। तो इसमें खूब सारे सेगमेंट होते हैं जो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड भी होते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग खूब सारे सिस्टम होते हैं। तो सिस्टम को आपको एक बार उनके मैं सारों पे नाम लिख देता हूँ। तो सबसे पहला जो सिस्टम है इसका होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम कौन सा होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है इसके अंदर जो होता है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। तीसरा सिस्टम होता है रीसर्कुलेशन सिस्टम, रीसर्कुलेशन सिस्टम। चौथा सिस्टम होता है इसमें रिप्लेसमेंट सिस्टम, रिप्लेसमेंट सिस्टम। और पांचवा सर जो होता है इसके अंदर सिस्टम होता है वो होता है ड्रायर, ड्राइंग जो होता है ड्रायर सिस्टम, जो इमेज को ड्राई करने के काम में आता है, जो इमेज को ड्राई करता है। तो ये मेनली इनमें पांच सिस्टम होते हैं और हम इस चैप्टर को इन्हीं सिस्टम के आधार पर हम पढ़ेंगे, हम इन्हें वन बाय वन इन्हीं सिस्टम के आधार पर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौन सा सिस्टम है, सबसे पहला सिस्टम है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम देख लेते हैं। देखो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कई सारे पार्ट शामिल होते हैं जिनके अंदर मैं आपको बताऊं तो फीड ट्रे क्या होती है, फीड ट्रे। दूसरा होता है इसमें एंट्रेंस सिस्टम जो फीड ट्रे से कनेक्टेड होता है, जिससे क्या होता है एंट्रेंस मतलब इमेज क्या होती है इस ऑटोमेटिक प्रोसेस में एंटर करती है, तो इसे हम एंट्रेंस सिस्टम ने बोल के एंट्रेंस रोलर बोलते हैं। एंट्रेंस क्या होते हैं, ये एंट्रेंस रोलर होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा तीन नंबर पे होता है माइक्रो स्विच,
तीन नंबर पे क्या होता है माइक्रोस्पिट्स, जो पता लगाता है कि इमेज इसके यहाँ से गुजर रही है कि नहीं होती है। चौथा होता है इसमें रोलर असेंबली, चौथा क्या होता है इसमें रोलर असेंबली और ट्रांसपोर्ट रेक, ट्रांसपोर्ट रेक और ड्राइव मोटर्स। ये और क्या होती है ड्राइव मोटर्स होती है, ये क्या होती है ड्राइव मोटर्स होती है। तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन चीजों का बना होता है, फीड ट्रे होती है, फीड ट्रे बाहर एक ट्रे के रूप में होती है, इस ट्रे में क्या होता है इस पर जैसे ही अपन एक्सरे फिल्म रखते हैं वो फिल्म क्या होती है इसके अंदर जाना शुरू होती है। ये अंदर किस तरीके से जाती है, ये अंदर जो इसका जो एंट्रेंस रोलर है इस एंट्रेंस रोलर या रोलर असेंबली के जरिए जाती है, किसके जरिए रोलर असेंबली या एंट्रेंस रोलर के जरिए इसके अंदर से जाती है। इसके अलावा माइक्रोस्विच, इसमें एक माइक्रोस्विच भी लगा होता है जो जैसे फिल्म अंदर जाती है माइक्रोस्विच प्रेस होता है जिससे पता चलता है फिल्म इसके अंदर जा रही है, जैसे फिल्म आगे निकल जाती है माइक्रोस्विच वापस क्या हो जाता है इसके अंदर से उसको जो प्रेस होता है वो वापस अपनी नॉर्मल पोजिशन के अंदर आ जाता है। इसके अलावा रोलर असेंबली होती है, ट्रांसपोर्ट रेक, ट्रांसपोर्ट रेक क्या करती है एक जो कैबिनेट होता है इससे दूसरे कैबिनेट के अंदर जो इसके अंदर इमेज को मूव करती है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो जो डार्क रूम में जो फीड ट्रे होती है हम इस फीड ट्रे में सबसे पहले क्या करते हैं इस फीड ट्रे में एक्सरे फिल्म को रखते हैं, वो एक्सरे फिल्म इसके अंदर जाती रहती है, इंसर्ट इसके अंदर होती है, रिप्लेसमेंट रेट है उसको हम तो इसमें जो मैंने माइक्रोसिस बताया था इस माइक्रोसिस का काम क्या होता है ये रिप्लेसमेंट रेट होती है, रिप्लेसमेंट रेट को कंट्रोल करता है। इस माइक्रोसिस के जरिए हम पता लगाते हैं कौन कितनी किस साइज की फिल्म इसके अंदर गई है और उसी आधार पर रिप्लेसमेंट सिस्टम से क्या होगा जो रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन होगा वो इसके अंदर डेवलप और फिक्स में जाएगा। रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन हम आगे पढ़ेंगे और रिप्लेसमेंट सिस्टम के बारे में डिटेल से मैं आपको बताने के लिए उसमें केमिस्ट्री क्या होती है उसकी सेपरेट अलग से क्लास होगी जो क्लास कल से होगी। आज तो इसको आप बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा रिप्लेसमेंट सिस्टम का, लेकिन इसकी कल की क्लास में एक डिटेल्ड क्लास होगी, इसमें क्या होगी एक डिटेल्ड क्लास होगी। तो इसके बाद में क्या होता है ट्रांसपोर्ट रोलर होता है, क्या होता है ट्रांसपोर्ट रोलर होता है। ट्रांसपोर्ट रोलर क्या होते हैं ये पेयर में होते हैं, ट्रांसपोर्ट रोलर क्या होते हैं ये इक्वल साइज के होते हैं और ये पेयर में होते हैं, इनका एक जोड़ा होता है ये जैसे ट्रांसपोर्ट रोलर हो गए। ये क्या करते हैं ये फिल्म को एक करेक्ट पाथ पर रखते हैं, ये क्या करते हैं ये फिल्म को एक दूसरे के अपोजिट लगे होते हैं और ये फिल्म को एक करेक्ट पाथ एक सीधी एक सही दिशा के अंदर फिल्म को रखते हैं, इन्हें हम ट्रांसपोर्ट रोलर भी कहते हैं। इसके अलावा होता है मास्टर रोलर, मास्टर रोलर ये मास्टर रोलर होता है, ये प्लेनेटरी रोलर और गाइड शू, गाइड शू की सहायता से फिल्म को क्या करता है फिल्म को टर्न करने का काम करता है, फिल्म को क्या करता है टर्न करने का काम करता है। किस तरीके से करता है मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूं, मैं बात कर रहा हूं मास्टर रोलर की, मास्टर रोलर किस तरह से काम करता है जैसे अभी मैंने ट्रांसपोर्ट रोलर बताया वो क्या होते हैं इक्वल साइज के होते हैं दोनों और फिल्म को क्या करते हैं पाथ देते हैं फिल्म को गाइड करते हैं। इसका अब मैं बात कर रहा हूं किसकी मास्टर रोलर की, मास्टर रोलर क्या होता है एक बड़ा रोलर होता है, ये क्या होता है एक बड़ा रोलर होता है, इसके चारों तरफ जो छोटे छोटे रोलर्स होते हैं ये छोटे छोटे रोलर क्या कहलाते हैं ये प्लेनेटरी रोलर कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं ये प्लेनेटरी रोलर कहलाते हैं। और इन प्लेनेटरी रोलर के साथ में क्या होता है यहाँ पे सर्कुलर जो छोटे छोटे ये प्लास्टिक के या और किसी भी चीज के हो सकते हैं ये क्या होते हैं इन्हें बोलते हैं गाइड शू, ये क्या हो गया मास्टर रोलर, ये क्या होगा प्लेनेटरी रोलर और ये जो इसको गाइड फिल्म को गाइड करते हैं टर्न होने के लिए इन्हें क्या कहते हैं गाइड शू कहते हैं। जैसे एक्सरे फिल्म इस डायरेक्शन से इधर से आ रही है तो जैसे ये प्लेनेटरी रोलर और मास्टर रोलर के बीच में आएगी तो यहां से आगे बढ़ेगी तो गाइड शू क्या करता है इनको यहां से सीधा न जाने देकर इनको टर्न कर देता है। अब ये आगे वाला गाइड शू जो सॉरी प्लेनेटरी रोलर के पास फिल्म आएगी तो ये इसको इधर टर्न कर देगा, तो गाइड शू और प्लेनेटरी रोलर की सहायता से फिल्म को क्या करते हैं फिल्म की डायरेक्शन इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, इसको हम टर्न कर लेते हैं। इसी मास्टर रोलर की सहायता से फिल्म क्या होती है एक रेक से दूसरे रेक में चली जाती है, तो फिल्म की डायरेक्शन को टर्न करने के लिए कौन सा रोलर काम लेते हैं मास्टर रोलर, और ये मास्टर रोलर किन किन रोलर की सहायता से प्लेनेटरी रोलर और गाइड शू की सहायता से काम करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्रॉस ओवर रेक भी होती है, इसमें क्या होती है जैसे यहाँ पे डेवलपर के लिए यहाँ पे मान लो फिल्म को जाने के लिए यहाँ पे रोलर होती है तो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाने के लिए एक क्रॉस ओवर रेक होती है, क्या होती है क्रॉस ओवर रेक होती है। ये क्रॉस ओवर रेक क्या करती है एक टैंक से दूसरे टैंक में फिल्म को मूव करवाने का काम करती है।
इनके मूवमेंट के लिए एक इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर होती है जो 10 से 20 आरपीएम राउंड पर मिनट पर काम करती है, जो 10 से 20 आरपीएम पर काम करती है। और ये मोटर क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट रेक है इधर से इधर करने का, जो रोलर्स है उनको बेल्ट और पुली या चेन की सहायता से क्या करती है, इनको पावर ट्रांसफर करती है। मतलब एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो ड्राइव मोटर बोलते हैं जिसको, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ये 10 से 20 आरपीएम पर क्या होती है, स्पीड होती है, और ये इन रोलर्स को और ट्रांसपोर्ट रेक को जो बेल्ट और पुली और चेन या फिर चेन सिस्टम होता है उनकी सहायता से पावर ट्रांसफर करती है, जिससे सारे रोलर्स एक साथ घूमते हैं और इमेज होती है वो आगे की तरफ मूव करती जाती है, वो क्या करती है आगे की तरफ से मूव करती जाती है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये भी कंट्रोल करता है या ये भी डिसाइड करता है कि वो आपकी जो फिल्म होगी वो कितने देर तक डेवलपर में डूबी रहेगी, कितनी देर तक फिक्सर में डूबी रहेगी और कितनी देर तक वॉशिंग या ड्राइंग में रहेगी। क्यों, जैसे जैसे इसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से फिल्म आगे बढ़ेगी, जिनकी जितनी स्पीड कम होगी फिल्म उतनी धीमे धीमे क्या होगी आगे बढ़ेगी, और फिल्म होती है वो डेवलपर और फिक्सर टैंक के अंदर से गुजरती है, यानी प्रोसेसिंग केमिकल के अंदर आपकी फिल्म कितनी देर तक डूबी रहेगी ये कौन डिसाइड करता है, ये भी ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिसाइड करता है। और फिल्म जो रिप्लेसमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर क्या लगे होते हैं, इसके अंदर माइक्रो स्विच कंट्रोल लगा होता है, माइक्रो स्विच कंट्रोल इसके अंदर लगा होता है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट है। इसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, देखो डेवलपर फिक्सर और वाटर है, इनका टेम्परेचर है वो प्रिसियसली कंट्रोल होना चाहिए, एकदम से ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर, मैंने कल की क्लास में बताया था, अगर एक निश्चित टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होगा तो प्रोसेसिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताया था कि डेवलपर फिक्सर या और इनके टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा डिफरेंस होता है तो क्या होता है, रेटिकुलेशन आर्की का जो आर्टिफैक्ट है वो इमेज के ऊपर डेवलप हो सकते हैं। तो इनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रीसियसली इनका टेम्परेचर कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो डेवलपर तथा जो डेवलपर टैंक है इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वाटर टैंक है इसका 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका मेंटेन रखा जाता है। और इसको मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, एक हीटिंग एलिमेंट लगाया होता है। इसमें क्या होता है, एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है जो थर्मोकपल की सहायता से इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हीटिंग एलिमेंट जैसे हीटिंग की कोयल होगी, और वो क्या होता है, थर्मोकपल होता है जो टेम्परेचर को नोट करता है, उसी के अनुसार टेम्परेचर को कम और ज्यादा कर सकता है। तो ये थर्मोकपल की सहायता से ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी होता है, और टेम्परेचर डेवलपर फिक्सर का टेम्परेचर प्रीसियसली कंट्रोल होना चाहिए, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा आपकी प्रोसेसिंग रेट क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस इसमें प्रोसेसिंग टाइम 90 सेकंड तक होता है, इसका मतलब इसमें जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि डेवलपिंग फिक्सिंग जो केमिकल है टेम्परेचर बढ़ने से उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाती है। तो ये हो गया। इसके बाद में सर्कुलेशन सिस्टम, उसके बाद में क्या है सर्कुलेशन सिस्टम। तो सर्कुलेशन सिस्टम में जो मैंने आपको सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, जो डेवलपर और फिक्सर जो इनका टेम्परेचर क्या होता है, इनका कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है, इनका क्या होता है, इनका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, मतलब इनका ज्यादा टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं, हम डेवलपर और फिक्सर इनको क्या करते हैं, बार बार इनको हिलाते रहते हैं, इनको एजिटेट करना होता है, इनको हिलाते रहना होता है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके अंदर एक सर्कुलेशन सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक सर्कुलेशन सिस्टम होता है। इसके लिए क्या करते हैं, देखो इन टैंक के जो इस टैंक के जो बेस है, बेस से क्या होता है कि जो डेवलपर है ये सर्कुलेशन सिस्टम में आता रहता है और इसके टॉप में ही वापस इसके अंदर जाता रहता है, जिससे क्या होगा इसका ये क्या होगा कि ये एजिटेट होता रहेगा, हिलता रहेगा, जिसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा। मान लो हीटिंग एलिमेंट आपने ऊपर लगा रखा है और यहाँ पर ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो नीचे तक टेम्परेचर बढ़ने से पहले क्या होगा, ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, इस केमिकल को लगातार एजिटेट किया जाता है, इसके लिए क्या होता है, लगातार एजिटेट किया जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, इन केमिकल को लगातार पंप करता रहता है, इसको निकाल के वापस इसमें डाल देता है, निकाल के वापस डाल देता है, इससे क्या होगा, इससे ये इनमें एजिटेशन, लगातार एजिटेशन उत्पन्न होता रहता है। इसी तरह से
फिक्सर के अंदर भी क्या होगा, फिक्सर के अंदर भी इसी तरह का ये सर्कुलेशन सिस्टम होगा, फिक्सर के अंदर भी इसी तरह का सर्कुलेशन सिस्टम होगा। एक चीज जानकर था, इनका जो इनलेट है मतलब सर्कुलेशन होके जो बालकनी का आउटलेट, तो क्या होगा ऊपर की डायरेक्शन होता है, और इनलेट क्या होगा नीचे की तरफ, यानी मतलब ऊपर से केमिकल आके और नीचे की साइड होगा, तो उससे क्या होगा जो ये नीचे से केमिकल डालेंगे तो उससे क्या होगा ये जो जो सॉल्यूशन है ये अच्छी तरीके से एजिटेट होता रहेगा, ये अच्छी तरह से हिलता रहेगा, इससे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो इस जो डेवलपर का जो सर्कुलेशन सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिल्टर भी होता है, इसके अंदर क्या होता है फिल्टर भी लगा होता है, जो इमल्शन से निकलने वाले पार्टिकल जिसकी साइज 100 माइक्रोमीटर से ज्यादा होती है उन पार्टिकल्स को क्या कर लेता है ये फिल्टर कर लेता है, उन पार्टिकल्स को ये फिल्टर कर लेता है। लेकिन जो फिक्सर का जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसमें ऐसे किसी फिल्टर की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे किसी भी फिल्टर की आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती है। तो ये सर्कुलेशन सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये क्या करता है इसके इसका भी एक सर्कुलेशन सिस्टम होता है जिसमें एक ओपन पंप होता है जो पानी को क्या करता रहता है इसके अंदर पानी को इसके अंदर कंटिन्यूसली डालता रहता है, रनिंग वाटर की टाइप में इस तरीके से होता है और जो इसको बार बार चेंज करता रहता है। तो ये सिस्टम ओपन टाइप का होता है, टैंक में डायरेक्टली इसके अंदर होता है। लेकिन इनमें क्या होता है इनका इनलेट नीचे की ओर होता है और आउटलेट ऊपर की ओर होता है इसी के अंदर। इसके अलावा चौथा जो सिस्टम है वो है रिप्लेंसमेंट सिस्टम। क्या है रिप्लेंसमेंट सिस्टम? इस रिप्लेंसमेंट सिस्टम ये क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑटो प्रोसेसर में जो इमेज है उसकी क्वालिटी यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट होती है, लेकिन जैसे ही आपने एक भी फिल्म इसमें प्रोसेस की है तो कुछ अमाउंट में डेवलपर और कुछ अमाउंट में फिक्सर होगा, वो क्या होगा वो यूज में आएगा, तो यूज में आएगा तो उससे क्या होगा फिक्सर और डेवलपर की जो अमाउंट है इसके अंदर वो कम हो जाएगी और आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं हमें इमेज की क्वालिटी को यूनिफॉर्म रखने के लिए फिक्सर और डेवलपर की जो क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी है उसको मेंटेन रखना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है मेंटेन रखना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए एक रिप्लेसमेंट सिस्टम होता है। क्या होता है रिप्लेसमेंट सिस्टम होता है, ये क्या करता है ये इसमें से कुछ मात्रा में डेवलपर को बाहर निकाल लेता है, जो यूज हुआ डेवलपर है जो एग्जिस्टेड डेवलपर उसको निकाल लेता है और इसके अंदर क्या करता है फ्रेश डेवलपर डालता है। इसी तरह से फिक्सर का भी रिप्लेस ये भी रिप्लेसमेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है यूज हुआ फिक्सर बाहर आ जाता है और फ्रेश फिक्सर इसके अंदर डाल दिया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं इसे हम रिप्लेसमेंट सिस्टम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट सिस्टम कहते हैं। ये क्या करता है जैसे कोई एक इमेज जो एक इमेज इसके अंदर क्या होती है प्रोसेस होती है नॉर्मली 14x17 साइज की इमेज तक की कोई इमेज रिप्लेस हो जाती है प्रोसेस होती है, तो उस कंडीशन में कुछ डेवलपर को और कुछ फिक्सर को बाहर निकाल लेता है यूज हुआ है और कुछ फ्रेश डेवलपर फिक्सर को अंदर डाल देता है, जिससे क्या होता है डेवलपर की जो स्ट्रेंथ और डेवलपर की जो एल्केलिनिटी होती है इसकी जो क्षारीयता या इसकी जो बेसिक नेचर होती है या एल्केलिनिटी होती है और इसकी स्ट्रेंथ होती है वो मेंटेन रहती है। इसी के अलावा तरह से रिप्लेसमेंट सिस्टम फिक्सर की जो एसिडिटी और इसकी स्ट्रेंथ होती है उसको भी मेंटेन रखता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितना डेवलपर और फिक्सर इसमें से रिप्लेसमेंट सिस्टम के जरिए बाहर निकाला जाता है, तो एक 14 इंच की जो एक्स फिल्म होती है उसके अगर हम इसको डेवलप कर रहे हैं तो उसके पीछे ये 60-70 ml डेवलपर इसके अंदर क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं और इतना ही फ्रेश डेवलपर फिक्सर इसके अंदर डाल देते हैं। और जो जो फिक्सर है फिक्सर का रिप्लेसमेंट सिस्टम कितना होता है 14 इंच फिल्म के पीछे ये 110 ml के करीब डेवलपर फ्रेश डेवलपर इसके अंदर डाल दिया जाता है और इतना ही एग्जॉस्टेड डेवलपर इससे बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये रिप्लेसमेंट सिस्टम का एक बेसिक आइडिया तो मैंने आपको बताया, इसमें कल इसकी डिटेल से क्लास होगी जिसमें मैं आपको इसकी केमिस्ट्री भी बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है किस तरीके से ये होता है। इसके अलावा लास्ट में है ड्रायर सिस्टम। लास्ट में क्या है ड्रायर सिस्टम, ये ड्रायर सिस्टम जिसमें क्या होती है फिल्म वॉशिंग के बाद में ड्रायर हो ड्राई होकर जो आउटलेट है इससे बाहर निकल जाती है। तो ड्रायर सिस्टम में क्या होता है ड्रायर सिस्टम में कुछ चीजें होती है जैसे ब्लोअर लगा होता है, ये क्या होता है ये आपकी जो हीटिंग कॉइल इसके अंदर हीटिंग कॉइल होती है जिस पर जो बाहर से जो एनवायरमेंटल एयर है उसको सक कर हीटिंग कॉइल पर ब्लो करती है जिससे वो एयर क्या हो जाती है गर्म हो जाती है। इसके अलावा क्या होती है इसमें वेंटिलेशन डक्ट होती है, तो वो जो एयर जो हीटिंग एलिमेंट चाहिए वो वेंटिलेशन डक्ट के जरिए क्या होती है वो फिल्म के ऊपर जो फिल्म के एरिया होती है उसके अंदर उसको उसके अंदर डाल दिया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा इसमें क्या होता है इसके अंदर ड्राइंग ट्यूब्स होती है और एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। तो ड्राइंग ट्यूब क्या होती है जैसे ये फिल्म यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है मतलब ये फिल्म ऐसे आ गई, तो ड्राइंग ट्यूब्स होती है वो फिल्म के दोनों तरफ लगी होती है, दो क्या होती है दोनों तरफ लगी होती है जहां से गर्म एयर होती है वो फिल्म के ऊपर आकर गिरती है। जैसे
मैंने एक चीज मैंने आपको उस क्लास में बताया था, इसके अंदर जो बीच में रिंजिंग प्रोसेस है वो रिंजिंग प्रोसेस नहीं होती, स्टॉप बार। तो डेवलपर के बाद में मैनुअल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम जो रिंजिंग प्रोसेस करते हैं स्टॉप बार काम कर लेते हैं, वो जिसमें पानी के अंदर फिल्म को हम धो लेते हैं वो नहीं प्रोसेस काम नहीं देता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि डेवलपर में यहाँ से जो क्रॉस ओवर रेट होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, स्क्वीजी रोलर्स लगे होते हैं, यहाँ पे स्क्वीजी रोलर्स लगे होते हैं। ये स्क्वीजी रोलर्स क्या करते हैं, ये स्क्वीजी रोलर्स जो मतलब इसके ऊपर जो डेवलपिंग जो केमिकल होते हैं उन केमिकल को डेवलपर के जो केमिकल लगे उनको केमिकल को इस टैंक के अंदर ही रख लेते हैं, फिल्म को अच्छे से दबाते हैं। इसके अलावा एक चीज और, मैंने आपको जो डेवलपर और फिक्सर के जो कंटेंट बताए थे, मैंने आपको जो डेवलपिंग एजेंट फिक्सिंग एजेंट बताया था उसमें बताया था मैंने आपको कि फिक्सर के अंदर क्या होता है, हार्डनर काम में लेते हैं, पोटेशियम फिल्म बताया मैंने हार्डनर काम में लिया जाता है, इसके अंदर मिलाते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर ये हार्डनर होता है ये डेवलपर के अंदर भी डाला जाता है। ये क्या जाता है, डेवलपर के अंदर भी डाला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग की जो फैसिलिटी है वो नहीं होती, स्क्वीजी रोलर से केमिकल को हटा दिया जाता है। इस कंडीशन में आपका जो इमल्शन लेयर है जिसमें जो जिलेटिन है उस जिलेटिन को भी हार्डन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पर वो वाली बीच वाली स्टेप नहीं होती है जो रिंजिंग है वॉशिंग वाली, तो इसलिए क्या होता है इसके जो केमिकल होगा उसके डेवलपर के अंदर हार्डनर मिलाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हार्डनर इसके अंदर मिलाया जाता है। तो ये इसके अंदर एक मेन डिफरेंस हो गया। ओके, तो ये आज की क्लास है। क्लास कैसी रही इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।